श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़े कई रोचक किस्से हैं। ऐसा ही एक किस्सा है कालिया नाग का। श्री कृष्ण ने अपनी लीला से उसका घमंड चूर चूर कर दिया था। ये बात तब की है जब यशोदा के लल्ला कन्हैया गोकुल में रहा करते थे। गोकुल के पास ही यमुना नदी बहती है। एक बार यमुना को कालिया नाग ने अपना घर बना लिया और नदी के पानी को अपने विष से जहरीला कर दिया। उस पानी को पीकर पशु पक्षी और गांव के लोग मरने लगे थे। श्री कृष्ण को ये बात पता चल गई और वो कालिया नाग तक पहुंचने की योजना बनाने लगे। एक दिन वो अपने सभी मित्रों के साथ खेलते खेलते यमुना नदी के किनारे पहुंच गए और जानबूझकर गेंद को यमुना की ओर फेंकने लगे। कान्हा, तुम बार बार गेंद को यमुना की ओर क्यों फेंक रहे हो? अगर गेंद यमुना में चली गई तो कौन निकाल कर लाएगा? अरे मैं भी क्या क्या करूं, बार बार गेंद यमुना की तरफ उछल जाती है। अब ध्यान रखना, मैं तुम्हारी ओर गेंद फेंक रहा हूँ, तुम पकड़ लेना। कृष्ण तो यही चाहते थे कि गेंद यमुना जी में जाए और खेलते खेलते अचानक से उनकी गेंद यमुना नदी में जा गिरी। अब यमुना नदी के पानी और उसमें रहने वाले कालिया नाग के बारे में सभी को मालूम था, इसलिए मौत के डर से कोई भी नदी में जाने को तैयार नहीं हुआ। कान्हा, गेंद तुमने ही यमुना नदी में फेंकी है, अब तुम ही इसे निकाल कर लाओगे। हाँ हाँ कान्हा, अब तुम ही गेंद को वापस लेकर आओ। पर यमुना नदी में तो कालिया नाग रहता है, सुना है वो बहुत विशाल है। अगर कान्हा यमुना नदी में गया तो कालिया नाग कान्हा को खा जाएगा। घबराओ नहीं, कालिया नाग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम सब यहीं ठहरो, मैं गेंद लेकर आता हूँ। कान्हा के सभी मित्र उन्हें यमुना में जाने से रोकते रहे, पर भगवान कृष्ण नहीं माने। वो कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़े और नदी में छलांग लगा दी। सभी बच्चे डर के मारे भागे भागे नंद यशोदा के घर पहुंचे और सारी बात बताई। ये सुनते ही यशोदा मैया डर गई और फूट फूट कर रोने लगी। ये बात धीरे धीरे पूरे गोकुल धाम में जंगल की आग की तरह फैल गई। सभी दौड़े दौड़े यमुना नदी किनारे आ गए, लेकिन कृष्ण अभी तक वापस नहीं आए थे। नंद बाबा और देवकी मैया का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। तभी बलराम बोले, आप सब कान्हा की चिंता मत करो, देखना वो कुछ ही देर में यमुना से निकलकर बाहर आ जाएगा। मैं कान्हा को जानता हूँ, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बलराम ने सबको दिलासा दी। वही नदी में कृष्ण को देखकर कालिया नाग की पत्नियों ने उन्हें वापस जाने को कहा। पुत्र, ये लो तुम्हारी गेंद, अब तुम ज्यादा देर यहाँ मत रुको। हमारे पति अभी गहरी निद्रा में सो रहे हैं, अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो क्रोध में आकर तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। मैया, गेंद तो एक बहाना है, वास्तव में तो मैं आपके पति कालिया नाग से ही मिलने आया था। अब जब तक मैं अपनी यमुना को कालिया नाग से मुक्ति नहीं दिला दूंगा, तब तक मैं वापस नहीं लौटूंगा। तभी कालिया नाग जाग गया। कृष्ण ने कालिया नाग को यमुना नदी छोड़ने का आदेश दिया। यदि तुम जान की सलामती चाहते हो तो यमुना को छोड़कर चले जाओ। तुम ठहरे छोटे से बालक, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि तुम यहाँ से बचकर चले जाओ, वरना मेरे जहर से तुम नहीं बच पाओगे। मेरी शरण में जो कोई आता है मैं उसे क्षमा करके छोड़ देता हूँ, पर लगता है तुम बहुत हठी हो, तुम ऐसे नहीं मानोगे। कृष्ण और कालिया नाग की जोरदार लड़ाई हुई, जिससे सभी देवी देवता भी भयभीत हो गए। काफी समय तक भगवान कृष्ण और कालिया नाग में युद्ध चलता रहा। यमुना तट पर नंद बाबा और यशोदा मैया के साथ सभी गोकुलवासी यमुना की ओर नजरें टिकाए रो रहे थे। मेरा लाल, मेरा कान्हा, वापस आ जा मेरे बेटे, मेरा कान्हा, कान्हा। चिंता मत करो यशोदा, हमारे कान्हा को कुछ नहीं होगा, वो लौट आएगा। काफी समय तक युद्ध करने के पश्चात कालिया नाग हार गया। भगवान कृष्ण ने उसके फन को अपने चरणों के नीचे दबा दिया। कालिया नाग थक चुका था। पुत्र, तुमने मुझे मैया कहा है, मेरे सुहाग की रक्षा करो, उन्हें जीवन दान दो। सुनिए, आप भगवान कृष्ण से क्षमा मांग लीजिए, ये कोई साधारण बालक नहीं, ये तो साक्षात नारायण का अवतार है, जिनके दर्शनों के लिए सभी देवी देवता, प्राणी और समस्त लोकवासी व्याकुल रहते हैं। आज उनके चरणों में आपको स्थान मिला है,
इनसे क्षमा याचना कीजिए, ये आपको क्षमा कर देंगे। त्राहिमाम, त्राहिमाम, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, आपको पहचानने में मुझसे भूल हो गई, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे जीवन दान दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ, अब तुम यमुना नदी को छोड़कर वापस अपने स्थान रमणक द्वीप पर लौट जाओ। प्रभु वहाँ गरुड़ पक्षी मुझे मार डालेगा, मैं वहाँ कैसे जाऊँ? गरुड़ से ही जान बचाकर मैं अपनी रानियों सहित यहाँ आ गया था, क्योंकि सौभरी ऋषि के श्राप के कारण गरुड़ यमुना नदी के पास नहीं आ सकता। वो अब तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, मेरे चरणों के निशान तुम्हारे फन पर हैं, उसे देखकर गरुड़ तुमको नहीं मारेगा। चलो अब मुझे बाहर ले चलो। जो आज्ञा प्रभु। इसके पश्चात कालिया नाग श्री कृष्ण को अपने फन पर उठाकर यमुना नदी से बाहर आ गया। श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर नृत्य करने लगे। नंद बाबा यशोदा मैया के साथ सभी गांव वाले कृष्ण को ये लीला करते देख अचंभित हो रहे थे। गोकुल का वातावरण प्रसन्नता से भरा हुआ था, सभी के चेहरों पर खुशी थी। देवी देवता भी भगवान कृष्ण की ये लीला देखकर मोहित हो गए। और उसके बाद कालिया नाग यमुना के रास्ते अपनी पत्नियों के साथ अपने स्थान पर चला गया। कृष्ण को सही सलामत वापस पाकर सभी गांववासी बहुत खुश हुए। उड़ीसा शहर के छोटे से गांव में माधव दास जी रहते थे। माधव दास जी अकेले रहते थे और भगवान जगन्नाथ जी के भजन किया करते थे, और वो हर रोज भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन के लिए जाया करते थे। वो सिर्फ जगन्नाथ जी की भक्ति में ही मस्त रहते थे, उन्हें सांसारिक जीवन से कोई मोह माया नहीं थी। एक दिन अचानक माधव दास जी की तबीयत खराब हो गई, उन्हें उल्टी दस्त का रोग हो गया। वो बहुत ही कमजोर हो गए कि उठने बैठने में भी उन्हें समस्या होने लगी। माधव जी अपना कार्य स्वयं करते थे, वो किसी से मदद नहीं लेते थे। जो व्यक्ति उनकी मदद के लिए आता था उनसे कहते थे, मेरे प्रभु मेरे जगन्नाथ जी स्वयं मेरी रक्षा करेंगे। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं, माधव जी की तबीयत और खराब हो जाती है। अब तो वो मल मूत्र भी बिस्तर पर त्याग देते थे, परंतु उन्होंने अपनी भक्ति और आस्था जगन्नाथ जी पर से नहीं छोड़ी। इतना बीमार होने के बाद भी वो नियम से जगन्नाथ जी की आराधना किया करते थे। यही दूसरी ओर जगन्नाथ जी अपने भक्त की उन पर आस्था देखकर अत्यंत खुश थे। तभी बलदेव जी जगन्नाथ जी से कहते हैं, हे प्रभु आपका प्रिय भक्त इतना कष्ट में है, आप उसे दूर क्यों नहीं करते? उसके पूर्व जन्म के कष्ट हैं जो उसे भोगने ही होंगे, पर उसने मेरी इतनी भक्ति की है इस कारण मैं पृथ्वी लोक पर जाकर उसकी देखभाल करूंगा। तब स्वयं जगन्नाथ जी सेवक के रूप में माधव जी के पास उनकी सेवा करने के लिए जाते हैं। वो माधव जी की बहुत सेवा करते हैं और उनके गंदे वस्त्र भी भगवान जगन्नाथ जी अपने हाथों से स्वयं साफ किया करते थे और उन्हें स्नान भी कराया करते थे। भगवान जगन्नाथ जी की सेवा से जब माधव दास जी स्वस्थ हुए और उन्हें होश आया, तब भगवान जगन्नाथ जी को उनकी सेवा करते देख वो तुरंत पहचान गए, ये मेरे प्रभु ही हैं। देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट सहा नहीं जाता, इसी कारण मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए स्वयं आया हूँ, और जो पूर्व जन्म के कष्ट तुम्हारे भाग्य में लिखे हुए हैं वो तो तुम्हें भोगने ही पड़ेंगे। अगर उस कष्ट को इस जन्म में नहीं भोगोगे तो तुम्हें फिर से एक और जन्म लेकर कष्ट भोगना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता था कि मेरे भक्त दोस्त के पूर्व जन्म के कष्टों के कारण अगला जन्म फिर लेना पड़े, इसलिए माधव मैंने तुम्हारी सेवा की। अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो मैं अपने भक्त की बात नहीं टाल सकता। अब भी तुम्हारा ये रोग 15 दिन का और शेष है, इसलिए वो 15 दिन का रोग वो मैं ले लेता हूँ। 15 दिन का वो रोग जगन्नाथ प्रभु ने माधव दास से ले लिया। तब से भगवान जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए बीमार रहते हैं। तब से आज तक हर वर्ष से यही चलता आ रहा है।
ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ जी को ठंडे जल से स्नान कराया जाता है। इस स्नान के बाद भगवान को बुखार आ जाता है। 15 दिनों तक भगवान जगन्नाथ जी को एकांत में एक विशेष कक्ष में रखा जाता है, जहां केवल उनके वेधा और निजी सेवक ही उनके दर्शन कर सकते हैं। इस दौरान भगवान जगन्नाथ जी को फल के रस, औषधि एवं दलिये का भोग लगाया जाता है और रोग मुक्त करने के लिए उन्हें काढ़ा भी पिलाया जाता है। भगवान के स्वस्थ होने पर अपने भक्तों से मिलने रथ पर सवार होकर निकलते हैं, जिसे रथ यात्रा कहा जाता है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ जी के साथ साथ उनके भाई और बहन भगवान बलदेव और देवी सुभद्रा की भी रथ यात्रा निकलती है। रथ यात्रा प्रतिवर्ष आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकलती है।